उत्तरकाशी में वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धरासू स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारा और वहां से 250 टीन अवैध लीसा बरामद किए। वन विभाग के DFO DP बलूनी ने बताया कि यह कार्रवाई देर रात की गई और फैक्ट्री में मौजूद 250 टीन लीसा को बरामद किया गया। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, वहीं मामले की जाँच की जा रही है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। फिर हमने कल छापे की कार्रवाई की और छापे की कार्रवाई में 400 टिन लीसा जो कि एकदम फ्रेश टिन थे जिन्हें कूप नंबर भी नहीं पड़ा था, तो वो हमने वहाँ पे जब्त किया। ये करीबन 68 कुंतल के आसपास रहा होगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो फैक्ट्री के मालिक थे वो भी आ गए थे। उनका ये कहना था कि साहब ये तो लीसा जो है मैंने होशियारपुर के किसी आदमी ने यहाँ डाला है, बट वो जायज़ नहीं लग रहा था क्योंकि उसके बारे में उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि ये नंबर 2 का माल है। तो वो सारा माल सीज करके हम धरासू ले आए थे। उनके जो भी अभिलेख थे वो हमने सीज कर दिए थे और आज मैंने अपने SDO को उस पर बैठाया हुआ है कि भाई वो पूरा मिलान करके उसको वो करें और फिर ये जो भी गलत चीज़ वहाँ पर पाई गई है उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें।